सर्टिफिकेट के बिना दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी दौड़ाना अब भारी पड़ सकता है। जी हाँ, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक विशेष अभियान के तहत ऐसे वाहनों की जांच शुरू कर दी है जो दिल्ली में प्रदूषण फैला रही हैं। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होने पर इन गाड़ियों के मालिकों पर लगभग 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत दिल्ली में 40 टीमें तैयार की गई हैं जो PUC प्रमाण पत्र देखेंगी और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चालान करेंगी, जिसमें लगभग 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तैयार की गई टीमें PUC द्वारा पहचाने गए 13 पॉल्यूटेड हॉटस्पॉट पर रहेंगी। इसमें आनंद विहार, RK पुरम, जहांगीरपुरी, विवेक विहार, मायापुरी समेत अन्य स्थान शामिल हैं। साथ ही ये टीमें दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस के साथ लोगों की गाड़ियों से डीजल और पेट्रोल के सैंपल भी ले रहे हैं ताकि पेट्रोल में हो रही मिलावट की जांच की जा सके।